आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह, आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दो चार दिन से एक बात चल रही है, काफ़ी बच्चे पेपर को कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जैसे आपको पता है, जो मीडिया के सामने कुछ लोग आए थे तो उनकी संख्या बहुत कम देखने को मिली, लेकिन जो ये सोशल साइट्स हैं इन पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। हालांकि देखा जाए जो 30 को एग्ज़ाम हुआ था उनके लिए चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन बाद में जैसा कि बोला जा रहा है जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको हटाया जा रहा है, तो उससे काफ़ी कंट्रोल किया गया है, काफ़ी लेवल मेंटेन किया गया है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो। हालांकि जो पेपर कैंसिल होना ही सॉल्यूशन नहीं है, आपको पता है कि एक साल के बाद ये एग्ज़ाम हुआ है, और अगर कैंसिल होता है तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले ही करा देंगे। जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है 2019 में, तो मुझे नहीं लगता कि उससे पहले ही करा सकते हैं। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल होना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर कैंसिल होता है तो जो नई वैकेंसी और निकालने की बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो रुक जाएं, और अगर ये क्लियर हो जाता है तो कुछ तो अभी लग जाएंगे, और इसके बाद काफ़ी ऐसे होंगे जो बाद में नई वैकेंसी आएंगे उसमें भी लग सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, आप ज़रूर अपने वोट दें कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभी आप जैसे स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पे एक कार्ड मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके बताएं यस या नो कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गाइज, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।